बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का, जी जी वॉइस आ जाती है, तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, और अगर किसी के स्पेल ठीक नहीं है तो आप खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग पे मैं जो है वो इतना नहीं करता, मैं कोशिश करता कि आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया जाए, तो बाकी जो है वो आप स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब सैलिएंट फीचर्स क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, पहले जब हमने आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि हमने उनको ड्रॉप किया, तो उसके फ्लॉज क्या थे, फ्लॉज मतलब उसके नेगेटिव सैलिएंट फीचर्स क्या थे। सही है, 27th अमेंडमेंट वैसे जो है वो आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर बताया था, आर्टिकल किए थे, चले 7th आर्टिकल लिख लें, वो रेटिफिकेशन है, आर्टिकल नंबर 7 इज अबाउट रेटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, और लास्ट नहीं 27 अमेंडमेंट्स नहीं है ये, इसमें सिर्फ एक बिल ऑफ राइट्स का जो पोर्शन है वो है, आ जाता है एमसीक्यूज में। नहीं नहीं फीचर्स आपके जो है वो बेसिकली जो है पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको देखा जाता है, तो वो उसको फ्लॉज को जो है मैंने बात की थी, वो नेगेटिव फीचर्स होते हैं, इसलिए मैंने साथ नेगेटिव का वर्ड यूज किया था कि वो फ्लॉज को, यानी अगर आप देखना चाहें नेगेटिव फीचर्स, इसके है ही टोटल 7 आर्टिकल्स, इतना छोटा सा जो है ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यानी जब ये बना था, तो अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ और मैं सही मेरे ज़हन में हूँ, तो ये तकरीबन 40 पेजेस के ऊपर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन था, 30-40 पेजेस पे। ठीक है, तो बाकी जो है यानी आप कन्फर्म कर लीजिएगा, बुक में जो है वो ये मेंशन होगा या इंटरनेट पे देख लीजिएगा, तो ये इतने ही जो है वो इतना छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक आम बंदा जो है उसको अपने राइट का पता है, इसलिए हम देखते हैं कि वहां से जो लोग यहाँ पे आते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेटिव होते हैं अपने राइट्स के बारे में, उनको सारे जो है वो चीजों का पता होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो इतने जो है वो डेवलप्ड हैं। नहीं, ये जो है वो आपके डिटेल में नहीं है, हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ना है और उसके फीचर्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये फीचर्स आपके जो है वो आ सकते हैं उसमें क्वेश्चन में, तो ये अमेंडमेंट्स की डिटेल वो जो है नहीं पूछ सकता। सही, तो अब हम देखते हैं अपने फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला फीचर जो है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक हो गया, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद क्या है, इसको ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है, इसको कंपाइल किया गया था, इसमें से एरर्स निकाले गए थे, फिर मॉडिफाइड यानी अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये यूनिफॉर्म एक तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद एंड पे इसको रेटिफाई कर दिया गया। ठीक है, जब इसके अंदर से जो है वो फ्लॉज और एरर्स जो थे वो रिमूव कर दिए गए, एट द एंड इसको फिर हमें रेटिफाई कर दिया था। अगर आपको याद हो इसके ड्राफ्टिंग 77 में जब वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 79 में जो था इसको रेटिफाई किया गया था, तो 77 से 79 तक का जो ये आपका, जी जी आपका ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस था, सबसे पहले इसको ड्राफ्ट इसका बनाया गया था, सही है, फिर इसको कंपाइल किया गया था, सही हो गया, कि उसके बाद इसकी इसमें मॉडिफिकेशंस लाई गई थी, सही, और फिर इसको एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिया गया था, ताकि एक जो पढ़ने वाला है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए आसानी हो इसको समझने में। ठीक है, जब ये सारा कुछ हो गया तो इसको 1789 में इसको जो था वो आपने रेटिफाई कर दिया गया था, सही है, और जिसके बाद हमें जॉर्ज वॉशिंगटन की सूरत में पहले प्रेसिडेंट मिले थे। सही हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास अगला है G10, वो तो ग्रुप ऑफ 10 डेवलप्ड कंट्रीज, G20 इस तरह है ये G10। अब इसमें US हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे आइडिया नहीं है कि आप किस G10 की बात कर रहे हैं, तो अच्छा दूसरा पॉइंट लिखें ब्रीफ एंड सिंपल। ठीक है, के जी ब्रीफ एंड मैंने ड्राफ्टिंग से पहले मैंने ये बात किया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है तो वो आपके पास क्या है, सबसे पहले ड्राफ्ट किया गया था 1779 में, फिर इसमें जो इसको कंपाइल किया गया, फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की गई थी, ठीक है, और इसको यूनिफॉर्म एक स्ट्रक्चर दिया गया था, ताकि अगर वो इंसान पढ़े, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं, आई थिंक 300-400 बल्कि इससे ज्यादा ही है, मुझे एग्जैक्ट इसका याद नहीं है कुछ, तो पाकिस्तान में तो इतने ज्यादा आर्टिकल्स हैं, जबकि सिर्फ इसमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आपके सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स जो हैं
सिंपल टू अंडरस्टैंड, जितना मैंने आपको बताया था आर्टिकल वन जो है वो हमारे पास किस चीज के लिए है, वो लेजिस्लेटिव ब्रांच के लिए है, आर्टिकल टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, आर्टिकल थ्री जुडिशियल ब्रांच है, आर्टिकल फोर स्टेट अफेयर्स है, ठीक है, आर्टिकल फाइव अमेंडमेंट प्रोसेस है, आर्टिकल सिक्स में मिसलेनियस एक्टिविटीज है, और आर्टिकल सेवन जो है वो रेटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में है। यानी इतना सिंपल जो है इसकी हेडिंग्स हैं, और अंदर जो इसके अंदर लिखा हुआ जो कंटेंट दिया गया वो भी बहुत ज्यादा ब्रीफ और सिंपल जो है वर्डिंग में जो है लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर कितने कितने सेक्शंस बनाए गए हैं, ठीक है। यानी जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में आर्टिकल 44 सेक्शन जो है भी इस तरह जो करके जब वो इसको क्या कहते हैं बोला जाता है किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट की जाती है, सही हो गया, तो या जो मुशरफ पे क्या कहते हैं वो ये गद्दारी का मुकदमा जिस पे 66 बी आई थिंक या सॉरी 52 बी, तो ये आर्टिकल 52 और उसका सेक्शन बी है, सही हो गया। तो ये इस सेक्शन अंदर बनाए गए हैं हर आर्टिकल के अंदर, तो कितने कितने सेक्शन है मैं वो लिखवाने लगा हूँ, इसकी जो है स्ट्रेंथ, ठीक है, क्वांटिटी। आर्टिकल वन में 10 सेक्शन है, सही। आर्टिकल टू में 4 सेक्शन है, आर्टिकल वन में 10 सेक्शन, आर्टिकल टू में 4 सेक्शन, आर्टिकल थ्री में 3 सेक्शन है, आर्टिकल फोर में 4 सेक्शन है, सही। आर्टिकल वन 10 सेक्शंस, आर्टिकल टू 4 सेक्शंस, आर्टिकल थ्री 3 सेक्शंस, आर्टिकल फोर 4 सेक्शंस, ठीक है, और आर्टिकल 5, 6 और 7 में कोई सेक्शन नहीं है, सही हो गया। उसमें सिंपल रूल्स हैं, एक जो है वो लिस्ट बनाई गई और बस दी एंड, इसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है, क्लियर हो गया। ये आपके पास ब्रीफ एंड सिंपल वाली हेडिंग में, ठीक है। फिर आपके पास इसमें टोटल 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो कि आर्टिकल 2 के 4 सेक्शन हैं। जो अमेंडमेंट्स हुई हैं 27, वो 1788 से 2018 तक, सही है, 1788 से 2018, बल्कि ये सॉरी 1788 है, ठीक है। तो इन सेक्शंस से क्या मुराद है, इन सेक्शन से मुराद ये जिस तरह अभी जो था वो मैं बात कर रहा था कि जो है वो जो हमारे थे ये प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उन पे आर्टिकल 52 भी लगाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 52 आपके पास है आर्टिकल, ठीक है, और उस